भारतीय आवाम एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जनपद गोरखपुर में टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा स्थल से जिलाधिकारी कार्यालय तक शांतिपूर्ण तिरंगा यात्रा मार्च निकालकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शंभू शरण पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रपति एवं चुनाव आयोग को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें 26 जनवरी के दिन लाल किले पर उपद्रव मचाकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के साथ ही पंचायत चुनावों को राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर करवाने की मांग की गई। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शंभू शरण शुक्ला, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे, जिला अध्यक्ष रविन्द्र चतुर्वेदी, अनुराग पांडे सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कौशल पांडे जी के निर्देशन पर आज दिनांक 2/2/2021 को गोरखपुर के टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा स्थल से जिलाधिकारी कार्यालय तक शांतिपूर्ण तिरंगा यात्रा मार्च निकालकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शंभू शरण पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रपति को एवं चुनाव आयोग को संबोधित एक मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। जिलाधिकारी जी की मौके देश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने वाले उपद्रवियों को अविलंब गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उपद्रव तथा तोड़फोड़ में हुए सार्वजनिक संपत्ति एवं निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों के श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शंभू शरण पांडे ने बताया। 26 जनवरी को जो देश के लाल किले पे अपने राष्ट्र ध्वज के समक्ष दूसरे झंडे लगा करके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, उसके लिए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन हम लोगों ने आज दिया, जिसमें ये विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि जो ये उपद्रवियों द्वारा कार्रवाई की गई उनको तत्काल गिरफ्तारी करके और जल्दी से जल्दी कड़ी सजा दी जाए। अभी तक इस पर कोई ठोस पहल किसी तरफ से दिखाई नहीं दे रही है। दुनिया भर की चीज़ें इधर से उधर बताई जा रही हैं, लेकिन कोई काम अभी सामने धरातल पर होता दिख नहीं रहा है। उसके अलावा जो भी नुकसान उस उपद्रव में हुआ, सार्वजनिक संपत्ति रही हो चाहे निजी संपत्ति रही हो, उसका जो भी नुकसान हुआ उसकी रिकवरी उन्हीं दंगाइयों के संपत्तियों को कुर्क करके उनसे रिकवरी उसकी